हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका वेलकम करता हूँ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग और डोमेन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जो आप ये डोमेन रेसर से परचेज कर सकते हैं। डोमेन रेसर दोस्तों बहुत ही ट्रस्टेड और जीनियन कंपनी है जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रही है काफ़ी लंबे टाइम से। वैसे इस वीडियो में हम बताएंगे आप रीसेलर होस्टिंग प्लान कैसे परचेज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ से चेक कर सकते हैं आप रीसेलर दोस्तों। आप अगर रीसेलिंग के हिसाब से इस पर्पज़ से अगर आप इस होस्टिंग खरीदते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रीसेलर के अंदर भी आपको ये तीन प्लान दिखाई दे रहे होंगे अनलिमिटेड लिनक्स में। तो 1449 का प्लान भी आप चेक कर सकते हैं और WHSM और अनलिमिटेड रीसेलर दोनों मेनली सेम ही प्लान अवेलेबल करवा रहे हैं, जो कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आपकी बड़ी वेबसाइट है, बड़ा प्लान है, आप खोलना चाहते हैं अपनी होस्टिंग सर्विसेज के लिए, तो आप इसके जो मैच्योर प्लान है उसके साथ जा सकते हैं। अपनी cPanel रीसेलर होस्टिंग जो अफोर्डेबल है, 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप देख सकते हैं, चार प्लान है वो, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। लाइट स्पीड है दोस्तों, SSD स्टोरेज है और स्मार्ट रीसेलर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं ये जो 9 सर्विसेज है आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें बैकअप है, WHSM है, मैजिक स्पेम है, जेट बैकअप है और फ्री SSL है, लाइटनिंग स्पीड है और जो साइट बिल्डर भी इसके अंदर आपको अवेलेबल होता है। कस्टमर अनलिमिटेड रीसेलर होस्टिंग, जिसमें आप ये सारे फीचर देख सकते हैं, अच्छा सपोर्ट मिलता है, SSD स्टोरेज मिलता है या होस्टिंग की आप सर्वर की डिटेल देख सकते हैं। और जो नॉर्मल डिटेल FAQ है वो आप चेक कर सकते हो, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या लाइव चैट्स के माध्यम से भी आप इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है वेबसाइट क्रिएट करने में या होस्टिंग लेने के बाद भी, तो ये आपको पूरा सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेच्योर प्लान में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। 1449 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप इसका प्लान परचेज कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए अगर परचेज करेंगे तो आपको 1609 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना होगा, या आप अपना कोई डोमेन लिख सकते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई डोमेन नेम है तो। तो ये नॉर्मल डिटेल भरने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम cPanel में अपने लॉगिन हो गए हैं, अपनी जो मेरे डोमेन रजिस्टर का cPanel है, तो अच्छा इसका cPanel है। अब यहाँ से आप WordPress इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों और अपने होस्टिंग के अंदर, क्योंकि बहुत ही आसान है। जो नॉर्मल डिटेल फिल करनी होती है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे, अपना कोई भी जो आप रखना चाहें नया, और इससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाए आसानी से। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो हमारा जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो गई है दोस्तों WordPress की। तो इस तरह आप अपनी WordPress की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से। और हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए हैं। वैसे तो हमें के लिए अपने प्लगइन इंस्टॉल करना होगा एक, अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट करने के लिए। इसमें हम प्लगइन सेक्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और यह साइड में सर्च करेंगे W3। तो यहाँ पर एक प्लगइन आ जाएगा दोस्तों, W3 टोटल कैश। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना होगा अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से इंस्टॉल है और एक्टिवेट किया हुआ है। तो अब मैं इसमें नीचे आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो नॉर्मल हमें सेटिंग करनी होगी सेटअप करने के लिए वो हम कर देंगे इसके अंदर। तो 1 से 2 मिनट का इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों टोटल सेटअप होने में, तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है दोस्तों, जिससे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक ये पूरा सेटअप हो जाए, जब तक कि क्योंकि ये डाटा रीड कर रहा है हमारी वेबसाइट का पूरा, तो इसीलिए इसको टाइम लगेगा। इससे आपकी वेबसाइट की कैशिंग स्पीड बढ़ती है दोस्तों, और डाटाबेस के जो कैशिंग है वो भी इसमें तेज़ हो जाती है, तो जिस कारण आपकी लोडिंग होती है दोस्तों वेबसाइट की, वो फास्ट हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे, या हम जो नॉर्मल ऑप्शन है उनको इनेबल कर देंगे, जैसे पेज कैश इनेबल कर देंगे, मिनीफाई को इनेबल कर देंगे, और जो नॉर्मल आप देख सकते हैं डाटाबेस कैश है उसको हम इनेबल कर देंगे, और ऑब्जेक्ट कैश को भी इनेबल कर देंगे और हम इसको सेव कर देंगे नीचे।
आप चाहे तो और भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, बट मेनली इतना तो सेटअप आपको करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी जो सेटिंग है वो स्टार्ट हो जाए। नीचे जो केस सेटिंग अगर आप कुछ और चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। और लेजी लोड आप चाहे तो इमेज को लेजी लोड भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो ऊपर जाएंगे या पर जो ऑल केस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो केस से है वो पर होना स्टार्ट हो जाएगा और वेबसाइट की स्पीड आपकी बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। वैसे डोमेन रेसल से आप अपनी होस्टिंग परचेस कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो, क्योंकि शेयर्ड VPS रीसेलर जैसे होस्टिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। इनके रीसेलर होस्टिंग के प्लान भी बहुत ही अफोर्डेबल है तो वो आप इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग स्पीड, SSD स्टोरेज, cPanel और क्लाउड और SSL सर्टिफिकेट, ये सारी सर्विसेज जो अवेलेबल होनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। चार प्लान आप जैसा कि देख सकते हैं रीसेलर के अंदर, साथ ही साथ आप इनके VPS प्लान को भी चेक कर सकते हैं। VPS में अगर आपकी बड़ी होस्टिंग है, ई कॉमर्स जैसी बहुत ही बड़ी वेबसाइट या बहुत ज़्यादा जिस पर विजिटर आते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो आप इनके VPS प्लान के साथ भी जा सकते हैं। VPS में भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी है, SSD स्टोरेज है, साथ साथ तीन प्लान आपको जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं L2, L4, L8 और ₹479 पर मंथ के हिसाब से इनके प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी आप इसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।